नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। कोरोना वायरस को मात देने के लिए भारत समेत दुनिया के अलग अलग देशों में वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। कोरोना के अलग अलग म्यूटेंट को मात देने के लिए अब दुनिया के कई देशों में वैक्सीन को मिक्स करने का काम चल रहा है और ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भले ही इसका विरोध किया हो लेकिन कई देश इस ओर अपना कदम बढ़ा चुके हैं। भारत में भी इस मुद्दे पर लंबे वक्त से बहस जारी है और ऐसे में भारत में अभी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के मिक्सर से बेहतर प्रोटेक्शन मिल सकती है। भारत में इसकी स्टडी ICMR ने की थी और विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से साफ कहा गया था कि वैक्सीन को मिक्स करना अभी खतरनाक हो सकता है। ऐसा कोई डेटा नहीं आया है जो ये साबित कर सके कि वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज अलग अलग लिए जाने से फायदा होता है। हालांकि WHO ने भी ये साफ किया है कि वो अंतिम फैसला पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी पर छोड़ते हैं। वहीं दुनिया के कई देशों में अब जब कोरोना के डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरियंट की वजह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तब देश अलग अलग रणनीति पर काम करते हुए दिख रहे हैं। कई देश यही कारण है कि वैक्सीन को मिक्स करने की ओर कदम बढ़ा चुके हैं जिसमें अभी तक अच्छे नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश में बहुत जल्द नए अर्बन को ऑपरेटिव बैंकों को खोलने के लाइसेंस जारी कर सकता है। जी हां, केंद्रीय बैंक ने 17 साल पहले बंद हो चुकी इस प्रक्रिया को दोबारा से शुरू करने के संकेत दिए हैं। साथ ही सरकार के नए बनाए सहकारिता मंत्रालय की भी इसमें अहम भूमिका होगी। वहीं बिजनेस स्टैंडर्ड की एक खबर के मुताबिक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और बढ़िया मैनेजमेंट वाली को ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटियों को नए अर्बन को ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस दिया जा सकता है। वहीं 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमा रखने वाले अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए मैनेजमेंट बोर्ड बनवाने और इसके राष्ट्रीय संगठन बनवाने के नियम तैयार करने पर भी काम चल रहा है। वहीं बता दें, खबर के मुताबिक सरकार ने हाल ही में जो नया सहकारिता मंत्रालय बनाया है वो इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के नियमों पर और भविष्य तय करने के लिए समीक्षा करेगा। साथ ही केंद्रीय बैंक से जुड़े शीर्ष अधिकारियों के हवाले से खबर है जिसमें कहा गया है कि संसद के मानसून सत्र के बाद सहकारिता मंत्रालय के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय इस दिशा में काम कर सकते हैं और नए सहकारिता मंत्रालय का प्रभार गृह मंत्री अमित शाह को दिया गया है। साथ ही अधिकारियों का मानना है कि इसके लिए RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन की अध्यक्षता में शीर्ष शहरी सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति 15-20 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है और ऐसे में RBI ने इस समिति का गठन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए अब तक उठाए गए रेगुलेटरी कदमों और उनके पीछे पिछले 5 साल के असर का आंकलन करने के लिए बनाया है। राहुल गांधी मंगलवार को श्रीनगर में रहे जहां पर उन्होंने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। कांग्रेस नेता ने गांधरबल जिले में खीर भवानी मंदिर में मत्था भी टेका। श्रीनगर में क्या कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के पक्ष में हैं। साथ ही यहां पर निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। राहुल ने यहां जिक्र ये भी किया कि वो कश्मीरी पंडित हैं और यहां के बाद राहुल गांधी ने हजरतबल दरगाह का भी दौरा किया। इसके अलावा बता दें वो गुरुद्वारा शेख हमजा मखदूम की मजार पर भी पहुंचे थे। वहीं मंगलवार शाम को ही राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। बता दें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का ये पहला घाटी का दौरा है और बीते दिन ही बता दें राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे थे सोमवार को ही और यहां पर उन्होंने प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम नबी अहमद मीर के बेटे की शादी में भी हिस्सा लिया था। वहीं श्रीनगर में नया कांग्रेस भवन तैयार किया गया है जिसका उद्घाटन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किया था। साथ ही अपने इस दौरे के दौरान राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से आ रहे कांग्रेस नेताओं और अन्य तबकों के लोगों से मुलाकात भी की थी। बता दें कि जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने साल 2019 में अनुच्छेद 370 को हटा दिया था और 5 अगस्त को ही इसके 2 साल पूरे हुए हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया था, साथ ही लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाया था।
तो बता दें राहुल गांधी सोमवार को श्रीनगर दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। हालांकि साल 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था उसके बाद भी राहुल गांधी श्रीनगर गए थे, लेकिन श्रीनगर एयरपोर्ट से ही उन्हें और उनके साथ जाने वाले लोगों को प्रशासन ने वापस लौटा दिया था, जिसके बाद अब ये एक बार से फिर से राहुल गांधी ने दौरा किया है श्रीनगर का। और दो दिन वो श्रीनगर में रुके और कांग्रेस कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन भी किया, साथ ही कई कांग्रेस नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को दावा किया कि राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हुई इसको लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से कोई डेटा नहीं मांगा है। सिसोदिया ने कहा कि केंद्र की ओर से भले ही हमसे कोई जानकारी नहीं मांगी गई हो, लेकिन हम खुद उनको अपना जवाब देंगे। सिसोदिया ने कहा कि आज के अखबारों में मैंने खबर पढ़ी है कि केंद्र सरकार कह रही है कि उसने राज्य सरकारों से पूछा है कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हुई हैं। अखबारों की रिपोर्ट बता रही है कि 12 राज्यों ने कहा है कि कोई मौत नहीं हुई और एक राज्य ने कहा है कि उनके यहाँ मौतें हुई हैं। उन्होंने आगे कहा कि थोड़े दिन पहले मैंने अखबारों में ये पढ़ा था कि केंद्र सरकार ने 13 अगस्त तक राज्य सरकारों को समय दिया है और पूछा है कि बताएं ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितनी मौतें हुई हैं। मैं लगातार अपने अधिकारियों से पूछ रहा हूं कि केंद्र सरकार के यहाँ से कोई चिट्ठी आई है क्या, लेकिन हमें आज तक ऐसी कोई भी चिट्ठी नहीं मिली है। तो बता दें लगातार दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर कितनी मौतें हुई ये सवाल लगातार उठ रहा है और ऐसे में मनीष सिसोदिया ने अब जवाब दिया है कि हम सरकार को डेटा खुद उपलब्ध कराएंगे। साथ ही मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली सरकार से कोई भी डेटा अभी तक मांगा नहीं गया है, लेकिन हम दिल्ली सरकार की तरफ से हम पूरे तौर पर केंद्र सरकार को जवाब देंगे कि ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हुई हैं। पश्चिम बंगाल में केंद्र और ममता बनर्जी सरकार की जंग चुनाव के बाद भी जारी है। अब ममता बनर्जी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का क्रेडिट लेने की कोशिश की है, जिस पर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल बंगाल में राज्य सरकार की तरफ से ममता के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी किसानों में बांटी गई है। ममता ने दावा किया है कि बंगाल सरकार के कृषक बंधु योजना केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान योजना से ज्यादा अच्छी है और पीएम किसान योजना का रुपया भी बंगाल सरकार की बदौलत ही किसानों को मिल रहा है। वहीं बंगाल सरकार में श्रम राज्य मंत्री बेचाराम मन्ना ने सिंगूर के किसानों को ममता की चिट्ठी बांटी है। बेचाराम मन्ना ने इस मौके पर केंद्र सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किसान निधि योजना के रुपए दे रही है, जबकि ममता की इस चिट्ठी में लिखा है कि तरह तरह के बहाने बनाकर दिल्ली की केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का रुपया नहीं दे रही थी। साथ ही इस चिट्ठी को लेकर बीजेपी की ओर से कहा गया है कि ममता सरकार जानबूझकर बंगाल के किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना के तहत रुपए नहीं देना चाहती है। तो बता दें विधानसभा चुनाव बंगाल में खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद भी केंद्र सरकार और ममता बनर्जी सरकार में जंग जो है वो लगातार जारी है और दोनों ही सरकार क्रेडिट लेने की होड़ कर रही है। और ऐसे में जहां एक तरफ केंद्र सरकार ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगा रही है, तो वहीं एक तरफ ममता बनर्जी सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। केंद्र सरकार ने देश भर में अभी तक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लागू करने पर कोई फैसला नहीं लिया है, ये जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से संसद में दी गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में पूछे एक सवाल के जवाब में कहा कि अभी जनसंख्या रजिस्टर अपडेट करने का काम चल रहा है। एनआरसी को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन देखे गए थे और ऐसे कई सवालों के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में जवाब दिया है। बता दें जनगणना 2021 पर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि जाति के आंकड़े जारी करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है और आने वाली जनगणना पहले डिजिटल जनगणना होगी
भूमि और आंकड़ों के संग्रह के लिए मोबाइल ऐप और जनगणना पोर्टल विकसित किया गया है। एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री ने कहा कि अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर के बाहर के केवल 2 लोगों ने अब तक संपत्तियां खरीदी हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में अब जमीन खरीदने में बाहरी लोगों या फिर सरकार को किसी भी तरह की कठिन प्रक्रियाओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। दरअसल बता दें कि जम्मू कश्मीर में 2 साल पहले ही अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म कर दिया गया था। जंतर मंतर के पास भड़काऊ नारेबाजी मामले में अश्वनी उपाध्याय समेत सभी 6 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है। बता दें दिल्ली पुलिस ने अश्वनी उपाध्याय, विनोद शर्मा, दीपक सिंह, विनीत क्रांति, प्रीत सिंह और दीपक को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने एडवोकेट और बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्वनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया था और उन पर प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम विरोधी नारेबाजी का आरोप है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। बता दें दिल्ली पुलिस ने सोमवार को इस संबंध में मामला भी दर्ज किया था। साथ ही बता दें आपको कि भारत जोड़ो आंदोलन की ओर से रविवार को जंतर मंतर पर आयोजित प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। हालांकि अश्वनी उपाध्याय ने मुस्लिम विरोधी नारेबाजी की घटना में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा था कि मैंने वीडियो की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को शिकायत सौंपी है, अगर वीडियो प्रमाणिक है तो इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, ना ही मैंने उनसे कभी मुलाकात की है और ना ही उन्हें वहां मैंने बुलाया था। जब तक मैं वहां था वो वहां नजर नहीं आए और अगर वीडियो फर्जी है तो भारत जोड़ो आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में बीजेपी के ज्यादातर सदस्यों के अनुपस्थित रहने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी संसदीय दल की बैठक में नाराजगी जताते हुए पीएम ने उन सांसदों की सूची मंगवाई है जो अधिकरण सुधार विधेयक 2021 के पारित होने के दौरान सदन में उपस्थित नहीं थे। राज्यसभा में बता दें सोमवार को संक्षिप्त चर्चा के बाद विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी गई है और इस विधेयक में चलचित्र कानून, सीमा शुल्क कानून, व्यापार चिन्ह कानून सहित कई कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव भी किया गया है। वहीं विपक्ष ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव भी रखा है और बाद में उस पर मत विभाजन की मांग भी की है। हालांकि मत विभाजन के सदन ने 44 के मुकाबले बता दें 80 मतों से विपक्ष के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। वहीं राज्यसभा में वर्तमान में बीजेपी के कुल 84 सदस्य हैं। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी सांसदों से लगातार सदन में उपस्थित रहने की अपील करते रहे हैं और ऐसे में पार्टी के सूत्रों ने बताया है कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक में ओलंपिक पदक विजेताओं को खड़े होकर सम्मान भी दिया गया। वहीं पीएम मोदी ने पार्टी सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने, पोषण अभियान और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को बढ़ावा देने का भी सुझाव दिया है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी राय साफ कर चुके हैं। इस मामले में विपक्ष भी उनके साथ खड़ा हुआ है और इसी क्रम में अब बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी नीतीश कुमार ने अपनी राय साफ कर दी है। बता दें मंगलवार को एक कार्यक्रम से निकलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कानून अपनी जगह पर है और इस दौरान उन्होंने इशारों में बता दिया कि बिहार में 5 सालों में फिलहाल ये कानून लागू नहीं होने जा रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि आप जानते हैं कि बिहार में पहले जनसंख्या की स्थिति क्या थी, उसको देखते हुए हम लोग बिहार में जनसंख्या के नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए शुरू से ही हम लोगों ने इसका आकलन किया है। ये नतीजा सामने आया कि पति पत्नी में अगर पत्नियां पढ़ी लिखी होंगी तो प्रजनन दर घटेगा और हम लोग उसी पर चल रहे हैं। पहले प्रजनन दर 4 से भी ज्यादा था और अब 3 पर पहुंच गया है और अगले 5 से 7 सालों में हम लोग 2 पर पहुंच जाएंगे। कुछ दिनों पहले ही नीतीश कुमार ने कहा था कि कानून बनाकर जनसंख्या कंट्रोल नहीं किया जा सकता है और ऐसे में चीन में क्या हुआ ये सबने देखा, ऐसे में इसके लिए जागरूकता की बहुत जरूरत है। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि एक बात ये साफ कह देना
कहना चाहते हैं वो कि जो राज्य जो करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन कानून बनाकर जनसंख्या काबू करना संभव नहीं है। महिलाएं जब जागरूक रहेंगी तो प्रजनन दर खुद कम हो जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में ओबीसी आरक्षण पर मंगलवार को जोरदार हंगामा देखने के लिए मिला, जिसके बाद विधानसभा को स्थगित करना पड़ा और कांग्रेस विधायकों ने ओबीसी के 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर विधानसभा में काले एप्रन पहनकर विरोध भी जताया, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पाखंड दिखाने का आरोप लगाया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो समाज को भ्रमित कर उसे तोड़ना चाहती है, उन्होंने ओबीसी को धोखा दिया है और पीठ में चुरा भी भोपा है। वहीं उन्होंने 10 से 19 मार्च 2019 तक 27% आरक्षण के लिए क्या, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उन्होंने इस वक्त क्या किया ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोर्ट से स्टे न लगे, वो अपनी आंखों को बंद कर बैठे हैं क्योंकि वो खुद ही चाहती थी कि उन पर स्टे लगे। उधर कांग्रेस ने ओबीसी से संबंधित संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार आरक्षण की 50% की सीमा को हटाने पर विचार करे ताकि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय और दूसरे कई राज्यों में लोगों को इसका लाभ मिल सके। वहीं सदन में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संविधान विधेयक 2021 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए यह आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार की गलती की वजह से यह विधेयक लाना पड़ा था। साथ ही उत्तर प्रदेश और कुछ राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखते हुए इसे लाया गया था। तो बता दें एमएलए ने पहले काले एप्रन पहनकर शिवराज वहां पर विधानसभा में काफी हंगामा किया। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने सरकार पर पूर्व सरकार पर जमकर हमला बोला है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए रुख कर लेते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में मौसम पल पर करवट बदल रहा है, ऐसे में राजधानी देहरादून से लेकर प्रदेश के कई इलाकों में सोमवार देर रात को बारिश के बाद मौसम साफ रहा। हालांकि पहाड़ से लेकर मैदान तक सभी जिलों में बादल छाए रहे। उधर प्रदेश के अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ समेत कुछ जिलों में भारी बारिश होने के आसार भी हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि इन जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताते हुए अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जिले में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जिलों में तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। ऐसे में तेज बारिश होने पर लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। साथ ही पहाड़ी इलाकों में हालांकि अभी मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन भूस्खलन लगातार जारी है। वहीं गंगोत्री हाईवे पर सुबह सुखी टॉप के पास भारी भूस्खलन हो गया। उधर यमुनोत्री हाईवे पर करीब 9 बजे डाबर कोच के पास भारी मात्रा में मलबा आ गया था, जिसकी वजह से दोनों हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई थी। वहीं मनेरा बाईपास रोड पर भी मनेरा के पास भूस्खलन की वजह से वो अवरुद्ध रहा। वहीं बद्रीनाथ हाईवे तोता घाटी में भारी भूस्खलन की वजह से अवरुद्ध हो गया था। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में प्रश्न के एक लिखित उत्तर में बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर सरकार की दी गई जानकारी के अनुसार अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के बाहर के केवल 2 व्यक्तियों ने अब तक संपत्तियां खरीदी हैं। जम्मू कश्मीर में अब जमीन खरीदने के में बाहरी लोगों या सरकार को किसी तरह की कठिन प्रक्रियाओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में साल 2019 में 5 अगस्त को प्रदेश को विशेष अधिकार देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म कर दिया गया था। इसके बाद से ही भारी लोग जो यहां के कई अधिकारों से वंचित रह जाते थे उन्हें अब वास्तविक अधिकार मिलने लगा है। वहीं गृह राज्य मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर आतंकवादी हिंसा से प्रभावित है जो कि सीमा पार से प्रायोजित और समर्थित है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में साल 1989 से 5 अगस्त 2019 तक आतंकवादी घटनाओं में 5,886 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं, जबकि गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार UAPA के तहत दर्जनों मामलों की संख्या साल 2017 से 901 थी, जो साल 2019 में बढ़कर 1,226 हो गई है, जबकि गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या साल 2017 में 1,554 थी, जो साल 2019 में बढ़कर 1,948 हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों के अपराधीकरण से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। इसके तहत अब सभी राजनीतिक पार्टियों को उम्मीदवारों के ऐलान के 48 घंटे के अंदर मुकदमों की जानकारी जारी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सांसदों विधायकों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला संबंधित हाईकोर्ट की मंजूरी के बगैर वापस नहीं लिया जा सकता है। वहीं बता दें, शीर्ष अदालत के इस फैसले का उद्देश्य राजनीति में अपराधीकरण को कम करना है। जस्टिस आर एफ नरीमन और बी आर गवई की पीठ ने संबंध में अपने 13 फरवरी 2020 के फैसले में निर्देश को संशोधित किया है। बता दें कि पीठ बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने में विफलता का आरोप लगाते हुए दायर अवमानना याचिकाओं में अपना फैसला सुना रही थी। फरवरी 2020 के फैसले के पैरा 4.4 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक पार्टियों को आदेश दिया था कि उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटों के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से कम दो सप्ताह पहले उनका विवरण प्रकाशित करना होगा। लेकिन आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि राजनीतिक पार्टियों को उम्मीदवारों के ऐलान के 48 घंटे के भीतर मुकदमों की जानकारी देनी होगी। साथ ही सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास का खुलासा नहीं करने वाली पार्टियों के चुनाव चिन्ह को फ्रीज या फिर निलंबित रखा जाएगा। साथ ही आयोग ने यह सुझाव भी दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का उल्लंघन के मामले में दिया गया है। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जहां कमजोर पड़ रही है, तो वहीं तीसरी लहर की संभावना अभी भी बनी हुई है। इन सबके बीच एक बार फिर से देश के कई राज्यों में लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ स्कूल कॉलेज भी खोल दिए गए हैं। वहीं कई अन्य राज्य ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में स्कूल कॉलेज खोलने जा रहे हैं। इसी महीने यानी कि अगस्त महीने की बात करें तो केवल 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल खुलने की संभावना है। ये जानकारी सरकार ने सोमवार को लोकसभा में दी और केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लोकसभा में शेयर किए गए एक लिखित उत्तर के अनुसार लक्षद्वीप, पुडुचेरी, नागालैंड, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने 2 अगस्त से ही स्कूलों को फिर से खोल दिया था। वहीं आंध्र प्रदेश में 16 अगस्त तक स्कूल फिर से खुलने की संभावना है। इनके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ लक्षद्वीप और पुडुचेरी ने ही सभी क्लासेस के लिए फिर से स्कूल खोल दिए हैं। बाकी ने केवल कक्षा 9 और उससे ऊपर की क्लासेस के लिए मंजूरी दी है। वहीं गोवा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हैं जिन्होंने 2 अगस्त तक स्कूल नहीं खोले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता शशि थरूर के एक सवाल के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि नागालैंड में पहले ही 26 जुलाई से 11वीं और 12वीं के स्कूल खोल दिए गए थे। वहीं हरियाणा में भी 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए 16 जुलाई से स्कूल फिर से खोल दिए गए थे। वहीं इस महीने के पहले सप्ताह में लक्षद्वीप में सभी ग्रेड्स के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं और ऐसे में 2 अगस्त को पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में 10वीं से 12वीं तक के छात्रों के स्कूल खोल दिए गए हैं। साथ ही बाकी के राज्यों द्वारा इसी महीने के अंत तक स्कूल खोले जा सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार 10 अगस्त 2021 को कक्षा 11वीं में दाखिले के लिए होने वाली महाराष्ट्र सरकार की सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को रद्द कर दिया है। बता दें, उच्च न्यायालय का यह फैसला 10वीं कक्षा पास कर चुके लाखों छात्रों के लिए राहत भरा है। बता दें कि CICSE बोर्ड से मुंबई के ICS ओरियन स्कूल की छात्रा अनन्या पाचकी द्वारा एक याचिका दायर की गई थी और IGCSE के 4 छात्राओं द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका पर यह आदेश पारित किया गया था और इसमें कहा गया है कि कोरोना महामारी की वजह से इस साल 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। इस बार छात्रों का रिजल्ट विशेष मूल्यांकन नीति के जरिए तैयार किया गया था और इस वजह से कई संसाधन सीधे 10वीं के
अंकों के आधार पर प्रवेश नहीं दे रहे हैं। और बता दें प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, ऐसे में जूनियर कॉलेज में प्रवेश से पहले कक्षा 10वीं के सभी छात्रों के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 21 अगस्त को राज्य भर में आयोजित किया जाना था। वहीं जस्टिस आर डी धानुका और जस्टिस आर आई छगला की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा जारी 28 मई की अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि सभी बोर्ड में कक्षा 10वीं के सभी छात्रों के लिए एक CIT आयोजित किया जाएगा, जिसके आधार पर वो 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए पसंदीदा जूनियर कॉलेज चुनने में समक्ष होंगे। हाईकोर्ट की इस पीठ ने कहा है कि राज्य सरकार के पास इसी तरह की अधिसूचना जारी करने का अधिकार नहीं है और ये अदालत इस तरह के घोर अन्याय के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो कक्षा 11वीं के छात्रों और 10वीं के कक्षा के अंकों और आंतरिक मूल्यांकन पर विचार करके प्रवेश देना शुरू करे और 6 सप्ताह की अवधि के भीतर ही प्रदेश प्रक्रिया को पूरा कर ले। तो ये हाईकोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे अगली खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी और कांग्रेस सहित 8 राजनीतिक दलों के खिलाफ मंगलवार को जुर्माना लगाया है, जिन्होंने अपने उम्मीदवारों के खिलाफ आधिकारिक केसों का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया। बिहार चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड मीडिया में प्रकाशित न करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 पार्टियों पर अपने आदेश का पालन न करने के लिए अवमानना का दोषी माना है। ऐसे में कोर्ट ने जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, कांग्रेस, बीजेपी, CPI पर 1-1 लाख का जुर्माना किया है और इसके अलावा CPM और NCP पर 5-5 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही भविष्य के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि राजनीतिक दल अपनी वेबसाइट पर प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड डाले और चुनाव आयोग ऐप बनाए जहां मतदाता ऐसी जानकारी देख सके। इसके साथ ही पार्टी प्रत्याशी चुनने के 48 घंटे के भीतर ही आपराधिक रिकॉर्ड मीडिया में प्रकाशित करे। आदेश का पालन न होने पर आयोग सुप्रीम कोर्ट को सूचित करे और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक केस राज्य सरकारें अब मनमाने तरीके से वापस नहीं ले सकेंगी। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि कोई भी राज्य सरकार वर्तमान या पूर्व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक केस बिना हाईकोर्ट की मंजूरी के वापस नहीं ले सकती और सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित मुकदमों के तेज निपटारे से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है। गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।